अन्न का मन पर असर। भोजन को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। अन्नम ब्रह्म अर्थात अन्न ब्रह्म है। प्राचीन लोकोक्ति है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हमारे अन्न का सीधा और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, मन और स्वभाव पर भी पड़ता है। इसलिए हम क्या भोजन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और जिस धन से भोजन खरीदा वह कैसे कमाया गया है, इन सब का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तो हम सब जानते हैं कि अन्न का मन पर क्या असर होता है। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, 3 महीने का प्रयोग करके देखें कि सात्विक अन्न खाने से अपने आप मन में बदलाव होने लगेगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक अन्न सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं, बल्कि परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन है। गुस्से से अगर खाना बनाया गया है उसे सात्विक अन्न नहीं कहेंगे। इसलिए महिलाएं कभी भी नाराज परेशान स्थिति में खाना ना बनाएं। किसी को डांट दो, गुस्सा कर दो और बोलो जाके खाना बनाओ। खाना तो हाथ बना रहा है, मन क्या कर रहा है? अंदर मन तो लगातार चिंता कर रहा है, तो वो सारे वाइब्रेशन खाने के अंदर जा रहे हैं। 3 प्रकार का भोजन होता है। 1, जो हम भोजनालय में खाना खाते हैं। 2, जो घर में माँ बनाती है। और 3, जो हम मंदिर और गुरुद्वारे में खाते हैं। तीनों के वाइब्रेशन अलग अलग होती है। 1, जो रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं उनके वाइब्रेशन कैसे होते हैं? आप खाओ और हम कमाएं। जो ज्यादा बाहर खाता है उसकी वृत्ति धन कमाने के अलावा कुछ और सोच नहीं सकती है, क्योंकि वो खाना ही वही खा रहा है। 2, घर में जो माँ खाना बनाती है वो बड़े प्यार से खाना बनाती है। घर में आजकल जो धन ज्यादा आ गया है इसलिए घर में नौकर रख लिए हैं खाना बनाने के लिए, और वो जो खाना बना रहे हैं इसी सोच से कि आप खाओ हम कमाएं। एक बच्चा अपनी माँ को बोले कि 1 रोटी और खानी है तो माँ का चेहरा ही खिल जाता है। कितनी प्यार से वो रोटी बनाएगी कि मेरे बच्चे ने रोटी तो और मांगी, तो वो उस रोटी में बहुत ज्यादा प्यार भर देती है। अगर आप अपने नौकर को बोलो 1 रोटी और खानी है, वो सोचेगा रोज 2 रोटी खाते हैं, आज एक और चाहिए, आज ज्यादा भूख लगी है, अब तो आटा भी खत्म हो गया, अब और आटा गूंथना पड़ेगा 1 रोटी के लिए। ऐसी रोटी नहीं खानी चाहिए। 3, जो मंदिर और गुरुद्वारे में खाना बनता है, प्रसाद बनता है, वो किस भावना से बनता है कि वो परमात्मा को याद करके खाना बनाया जाता है। क्यों ना हम अपने घर में परमात्मा की याद में प्रसाद बनाना शुरू कर दें। करना क्या है, घर रसोई साफ, मन शांत, रसोई में अच्छे गीत भजन कीर्तन चलाए और परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाए। घर में जो समस्या है उसके लिए जो समाधान है उसके बारे में परमात्मा को याद करते हुए खाना बनाए। परमात्मा को कहे मेरे बच्चे के कल परीक्षा है, इस खाने में बहुत ताकत भर दो, शांति भर दो, ताकि मेरे बच्चे का मन एकदम शांत हो, ताकि उसकी सारी टेंशन खत्म हो जाए। परमात्मा, मेरे पति को कारोबार में बहुत टेंशन है और वो बहुत गुस्सा करते हैं, मैं इस खाने में ऐसी शक्ति भरूं कि उनका मन शांत हो जाए। यही कारण है कि जैसा अन्न वैसा मन, जादू है खाने में। इसलिए कहा जाता है कि किसी को अपना बनाना है तो उसे खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर वो आपका हो जाएगा, क्योंकि उसका मन आपके मन से जुड़ जाएगा।